Hello everyone, welcome to my channel Com Scholar. This is a continuation video on dividend decision policy, and in this video lecture we are going to discuss the third method, that is called MM approach, which is based on irrelevant theory. MM approach, that is called Modi Gilani and Miller approach. And it is also called MM approach. देखिए ये थियोरी बेसिकली काफ़ी फेमस है. फेमस इन द सेंस इन्होंने अपनी जो थियोरी बनाई है वो ऑन पेपर जब देखें दैट इज़ वेरी ट्रू. बट इस थियोरी को एक्चुअली पॉपुलर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्रिटिसाइज. इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है बिकॉज उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट हैं जो उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिए. ऑब्वियसली जैसे हमने ऊपर वोल्टर अप्रोच पढ़ा, गोर्डन अप्रोच पढ़ा, उसमें भी हमने कुछ एजम्पशन पढ़ी. इसके बाद ये एक और आए मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, तो ये दोनों मिलकर भी इन्होंने एक मॉडल तैयार किया. अब ऑन पेपर तो ठीक लगता है बट जब उसको रियल सिनेरियो में लेके जाता है सो देर आर सम अदर एस्पेक्ट्स आल्सो दैट आर टोटली इग्नोर्ड एंड आई थिंक दोज आर एस्पेक्ट्स आर रियली इम्पोर्टेंट. जैसे देखिए अगर मैं इसकी कंसेप्ट की बात करूँ तो मोदी गिलानी अप्रोच जैसे मैंने क्या बोला ये आपकी क्या है इररिलेवेंट थियोरी है आपकी. यानी कि आप कोई भी डिसीजन कंपनी अगर डिसीजन लेगी ऑन द बेसिस ऑफ एमएम अप्रोच दैट डजंट अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म और द कंपनी उस पर इफेक्ट नहीं आएगा. उस पर इफेक्ट नहीं आएगा. प्राइस पे आ सकता है बट वैल्यू पे नहीं आएगा. ठीक है सो यहाँ पे ये ध्यान रखना प्राइस पे आएगा ऑब्वियसली जब आप डिविडेंड बांट दोगे. ठीक है तो ऑब्वियसली उसकी रिटेंशन रेशियो जो पावर कम होगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस इफेक्ट तो आपका जो है वो इफेक्ट तो आएगा ही. देखें और अभी हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें भी देखेंगे भी हम. तो ये जब मॉडल अप्रोच लेके आए तो पहले हम इसकी कुछ एजम्पशन की बात करें कि उन्होंने एक्चुअली क्या क्या एजम्पशन लेके आए. वो अगर हम इनके एजम्पशन की बात करें तो देखिए उन्होंने फर्स्ट एजम्पशन वो क्या बोली है. इन्होंने बोला दैट देयर इज ऑलवेज अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट. परफेक्ट कैपिटल इन द सेंस दैट मींस एनीवन कैन एंटर एंड एनीवन कैन लीव एट एनी टाइम. बट ऐसा रियल सिनेरियो में तो पॉसिबल नहीं है ना. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. देखिए ऑब्वियसली देखिए आज के टाइम में देखें लाइक यू कैन इजिली लाइक बाय और sell any kind of securities by way of demat account, right? But आप क्या आप अपने मन से जरूरी थो ना आप कोई भी आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड भी तो कर सकते हो. एंड इस पर जब आप करते हो तो उस पर कुछ कॉस्टिंग जो होती है वो भी इन्होंने इग्नोर कर दी. इन्होंने क्या करा कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर दिया. कॉस्ट इग्नोर्ड जो कि गलत है, राइट. थर्ड जो एजम्पशन लिया उन्होंने क्या लिया है दैट दे आर नॉट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन. जो कैपिटल टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, काफी सारे टैक्स होते हैं, वो उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया. सो दैट मीन देर इज अ एब्सेंस. इन्होंने इसको इग्नोर कर दिया. देन यहाँ पर बोलते हैं कि अगर कंपनी एमएम अप्रोच फॉलो करती है, ठीक है, तो उनका जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होनी चाहिए. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब समझ रहे हो. मान लीजिए अगर कंपनी का कोई नया प्रोजेक्ट आया है और उसमें अगर उनको कोई एडिशनल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो अगर उनको मनी की एब्सेंस मनी की रिक्वायरमेंट है तो उनको जो है मनी जो रेज करना है वो कैसे करना है. एडिशनल शेयर्स इशू कर दो. इशूइंग एडिशनल शेयर्स
इशूइंग एडिशनल शेयर्स, या फिर आप यूज करो रिटेंशन रेशो, या जो रिटेनिंग अमाउंट है, उसको यूज करो, या दोनों का यूज करो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो सेम है, दैट मीन्स आपको जाना है इक्विटी के थ्रू है, आप डेट की तरफ जा नहीं सकते, तो वो तो गलत है ना भाई। कंपनी के ऊपर सारा बर्डन सिर्फ इक्विटी पे नहीं हो सकता ना, कुछ तो डेट की तरफ भी जाना पड़ेगा। देन इन्होंने जो है रिस्क को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, दैट देयर वुड बी नो रिस्क, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर आप भी अगर आप शेयर मार्केट में आज इन्वेस्ट कर सको, एंड आपको पता है दैट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, अब इन्होंने रिस्क को इन्होंने टोटल ही इग्नोर कर दिया, एंड दैट इज अ मेजर नेगेटिव एजम्पशन। तो देखिए, पहला है दैट इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट, सेकंड वन है दैट इज देयर विल बी नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ टैक्सेशन, फोर्थ वन इज दैट देयर वुड ऑलवेज बी अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दैट मीन्स कंपनी वुड ऑलवेज गो फॉर ईदर गो फॉर इशूइंग एडिशनल कैपिटल और गो फॉर रिटेनिंग अमाउंट ऑफ अर्निंग, एंड लास्ट वन दैट इज देयर इज ऑलवेज नो रिस्क। सो ये इन्होंने काफ़ी सारे एजम्पशन लिए, एंड इन्हीं एजम्पशन की वजह से जो है ये MMM अप्रोच काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया इसको, राइट। अब देखते हैं कि MMM अप्रोच इसके लिए बेसिकली बोलता क्या है। देखिए, MMM अप्रोच बोलता है कि अगर आपको किसी भी कंपनी का अगर आपको फ्यूचर में होने वाला प्राइस अगर आपको डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे? उसको तो डिविडेंड भी पेटेगा, तो चलिए मान लीजिए, करंट प्राइस कह सकते हैं। अगर करंट पर जो प्राइस है वो कैसे डिफाइन करता है, करंट प्राइस तो डिफाइन करता है कि कंपनी का आज का डिविडेंड क्या है, ये कंपनी आने वाले टाइम में जो कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फ्यूचर में होने वाला डिविडेंड, ठीक है, वो उसके करंट मार्केट प्राइस को इफेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कंपनी अगर जैसे ही डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन जो है वो उसका करंट मार्केट प्राइस पे इफेक्ट आता है, राइट। प्लस क्या अगर आप जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या आप आपकी जो अर्निंग है वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड बेस पे रहती है? नहीं, आप उस कंपनी को शेयर्स को बेच भी सकते हो, एंड उसके थ्रू यू कैन अर्न बाय वे ऑफ कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन से भी आप अर्न कर सकते हो। तो कंपनी की जो आज की वैल्यू है वो सिर्फ डिविडेंड पे नहीं डिपेंड है, वो कैपिटल गेन पे भी डिपेंड है, एंड कैपिटल गेन गेंस कैसा आएगा, दैट इज बाय वे ऑफ द फ्यूचर प्राइस, विद करंट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस माइनस करंट प्राइस, सो दैट वुड बी अगेन कैपिटल गेन, राइट। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, कि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट इज के ई। देखिए, दो हैं तो इसलिए यहाँ पर कहेंगे वन प्लस के ई आएगा, वन प्लस के ई, राइट। अगर जैसे वैसे हम लेते हैं डी वन डिवाइड बाई के ई ले सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर अब पी वन भी है, तो इसलिए यहाँ पर लेना वन प्लस के ई लेना पड़ रहा है, राइट। सो इसमें कन्फ्यूज मत होना। सो ये तो फॉर्मूला बताया है, बट अगर मान लीजिए अगर यहाँ से मैं करंट प्राइस अगर निकालें, तो कैसे निकाल सकते, देखिए पी वन इक्वल्स टू पी जीरो वन प्लस के ई माइनस डी वन, ईजी है आपका। सो आप कोई भी मतलब एक ही फॉर्मूला है, तो बेसिकली आपके पास यही फॉर्मूलाज हैं MMM अप्रोच की, राइट। सो देखिए, अब इसके बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। मैं इसका आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, कि बिकॉज इसमें आप कोई भी एग्जाम करो, सबके मोरलेस आपके जो है मेथड जो सेम है, बस आपकी फिगर्स ही चेंज होती हैं। सो देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। डी कंपनी करंटली हैज 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 115, नेट इनकम फॉर द करंट ईयर इज 2 करोड़, एंड इन्वेस्टमेंट बजट इज 4 करोड़, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 12%, द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट ₹8 पर शेयर अज्यूमिंग MMM अप्रोच। देखिए, आपसे ये बोल क्या रहा है
कंपनी की जो अभी करंटली जो है 10 लाख जो इक्विटी शेयर वो आउटस्टैंडिंग है, उनकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितनी है, दैट इज 115। कंपनी इस टाइम जो है हर साल 2 करोड़ रुपए कमा रही है, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो बजट है एट प्रेजेंट कितना है, 4 करोड़ है। करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की अर्निंग कितनी है, 2 करोड़, बट कंपनी का बजट कितना है, 4 करोड़। अब कंपनी को कुछ एडिशनल अमाउंट भी चाहिए रिमेनिंग 2 करोड़, तो वो कहाँ से आएगा। अभी हमने बोला था कि कंपनी का एजम्पशन क्या है, बाय वे ऑफ रिटेन अर्निंग और बाय वे ऑफ इशूइंग एडिशनल शेयर्स, तो इस तरह करेगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इक्विटी शेयर का कितना है, 12% है। कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी को 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा, राइट। एज्यूमिंग एम अप्रोच, अब एज्यूम करके अप्रोच करेंगे हमें निकालना है कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर एंड इफ इट इज नॉट डिक्लेयर। तो हमें करंट मार्केट प्राइस यानी कि PE1 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है P1 निकालना है इक्वल्स टू P0 वन प्लस KE माइनस D1, राइट। तो अगर हम निकाल लें सपोज कि पहले हम निकालना निकाल लें सपोज व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर्ड, यानी कि कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी के आज की प्राइस वैल्यू क्या होगी, दैट इज P1 इक्वल्स टू, देखिए कितना गिवन है P0 कितना गिवन है, देखिए करंट मार्केट प्राइस कितना गिवन है, दैट इज 150। वन प्लस KE कितना कितना माना, 12% है, और डिविडेंड अगर बांटेगी कंपनी तो कितना माना कि 8 रुपये शेयर के हिसाब से, सो डिवाइड बाय -8, सॉरी -8, ठीक है। तो सिंपली आपका यहाँ से P1 निकल आएगा, तो P1 यहाँ से आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा दैट इज हंड्रेड एंड सिक्सटी एट, यानी कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, सॉरी 160, 160, तो इतना होगा। और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, यानी मींस व्हेन डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, नॉट डिक्लेयर में आपका देखिए P0 कैसे निकल आएगा, P1 सॉरी 150, 1 प्लस 0.12, ये तो 0 हो जाएगा, तो P1 कितना आ जाएगा 168। वही पूछा था हमसे, हमसे पूछा है कि आप जो है क्या निकालना, देखिए आपको क्या निकालना था, दैट इज दी मार्केट प्राइस निकालनी है जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा, राइट। उसके बाद हमें देखिए एम एम अप्रोच से क्या निकालना है, हमें एम एम अप्रोच देखना है कि ये क्या है, बताते हैं इरेलेवेंट थ्रेड निकालता है, यानी कि कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है और जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती तो क्या उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, होगा उभरने की वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट आएगा ही नहीं, इरेलेवेंट थ्री है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, लेट्स मेक टू कॉलम, दैट मीन्स हम उसको 2 कॉलम बनाए, दैट मीन्स व्हेन डिविडेंड डिक्लेयर, डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर एंड नॉट डिक्लेयर, राइट। तो देखिए हमें क्या निकालना है, देखिए पहले देखते हैं कि कंपनी के पास अगर आज के देखेंगे तो कंपनी के पास टोटल रिटेन अर्निंग कितनी है, कंपनी कितना था, 2-2 करोड़ बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि करंट कंपनी का करंट ईयर प्रॉफिट कितना, दैट इज 2 करोड़, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तभी सेम ही रहेगा, राइट।
मान लीजिए कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, लेस करेंगे यहाँ से डिविडेंड पेड, तो कितना है? देखिए 8 रुपये के हिसाब से कंपनी बांटेगी, 8 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास शेयर ऑप्शन कितने हैं, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज इक्वल टू 80,000, सॉरी 80 लाख, 80 लाख इसमें तो होगा नहीं क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे नहीं, राइट? सो कंपनी के पास अभी रिटेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, रिटेन प्रॉफिट कितना होगा या रिटेन अर्निंग कितना होगा, इसमें कितना होगा, दैट इज 1 करोड़ 20 लाख, एंड इसमें पूरा ही बचेगा दैट इज 2 करोड़, ये रिटेन अर्निंग होगा। अब अगर हम देखेंगे कंपनी का इन्वेस्टमेंट बजट है कितना का, कंपनी का इन्वेस्टमेंट बजट वो कितना, दैट इज 4 करोड़, दोनों केस में जब कंपनी चाहे वो डिक्लेयर करे या ना करे बजट तो सेम ही रहेगा। अब अगर कंपनी का बजट 4 करोड़ है दोनों केस में, तो कंपनी को अब एडिशनल अमाउंट कितने की जरूरत पड़ेगी, कंपनी को एडिशनल अमाउंट कितना पड़ेगा, दैट मीन्स रिक्वायर्ड टू बी रेज्ड, कितना है अमाउंट की उनको रेज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो बजट कितना है 4 करोड़, कंपनी के पास अभी रिटेन अर्निंग पॉकेट में कितना, दैट इज 1.2, यानी कि एडिशनल अमाउंट कितना रेज करना है, दैट इज 2.8 करोड़, एंड इसमें 2 करोड़, राइट यही है। अब इसको लेट से हम डिवाइड करते हैं, इसको हम मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, देखिए जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है तो मार्केट वैल्यू कितनी आती है, 160, और जब डिक्लेयर नहीं करती कितना दी, 168, तो यहाँ लिख देते हैं 160, यहाँ कितना आएगा 168। डिवाइड करेंगे तो कंपनी को न्यू शेयर्स कितने रेज करने होंगे, न्यू शेयर्स टू बी इशू, तो डिवाइड करोगे तो आपका आएगा दैट इज 1,75,000 इन दिस केस, एंड इसमें आपका आएगा दैट इज 1,19,004.62। अभी डेसिमल में लेते हैं, बाद में उसको राउंड अप कर देंगे, राइट? तो इतने शेयर्स तो कंपनी को इशू करने होंगे, राइट? अब कंपनी के पास अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं अभी, दैट इज 10 लाख, आउटस्टैंडिंग कितने हैं 10 लाख, दोनों ही किस्म, राइट? दैट मीन्स कंपनी के पास ये क्या हो गए, टोटल शेयर्स ये कितना हो गया, दैट इज 11,75,000, कितना आएगा 11,19,047.62, राइट? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से, कितना है 160 इन दिस केस, 168 इन दिस केस, राइट? एंड नाउ वी विल फाइनली गेट दैट इज मार्केट वैल्यू शेयर्स, मार्केट वैल्यू सॉरी ओवरऑल वैल्यू, वैल्यू ऑफ इज फॉर्म, दोनों केस में कितना, दैट इज 1.88 करोड़, 1.88 करोड़, दोनों ही केस में ये जा रहा था। सो आप देख सकते हो क्लास की जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तब कंपनी की वैल्यू ऑफ द फॉर्म कितनी आ रही है, और जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही तब कितनी आ रही है, कि दोनों ही केस में कितना आ रही है, दैट इज 1.88 करोड़, ठीक है? और ये क्या आपकी दैट इज इरेलेवेंट हो रही, और वो प्रूफ भी होगी,
यानी कंपनी चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, उसी कंपनी के प्राइस पे तो इफेक्ट आएगा, बट वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई फर्क नहीं आएगा, राइट? सो दिस इज द ऑल ओवर दैट इज कॉल्ड दैट इज MM अप्रोच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।